हाइड वन सो विथ दिस एलिमिनेशन टेक्निक यू कैन ग्रैप फोर टू फाइव मार्क्स एक्स्ट्रा विथ अदर स्टूडेंट्स ठीक है तो इस एलिमिनेशन टेक्निक से क्या होगा कि आप फोर से फाइव क्वेश्चन ज़्यादा सही कर पाओगे दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले है क्या ये एलिमिनेशन टेक्निक देखो एग्जाम में अगर हम जब जा रहे हैं ना तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ठीक है आई बी पी एस एफ ओ मेन्स में उसमें फाइव ऑप्शनस रहेगा ए। आप बहुत हद तक कन्फर्म रहोगे कुछ में कि इसका आंसर ये होगा बट प्लीज़ हमेशा ट्राई करो कि ये चारों गलत है ना इसका देखने का इसको देखने का ज़रूर ट्राई करो कि ये चारों गलत है ना तो ये हुआ कि चार को हम लोग गलत ठहराएँ और एक जो सही है वो हंड्रेड परसेंट कन्फर्म हो गया विथ हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ कि इट इज़ ट्रू ठीक है तो ये एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेशन प्रोसेस होता है इससे क्या होता है इससे दो फायदा होता है जब आप एग्जाम दे के आओगे ना तो जो चांसेस होता है ना कि गलती से कोई टिक कर दिया गलती से कोई सही क्वेश्चन को टिक कर दिया वो बहुत कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस हंड्रेड परसेंट रहता है कि जो हमने टिक किया है वो एकदम सही है ये प्रोसेस एक दिन में नहीं आएगा आप अगर ये प्रोसेस को दिमाग में रखोगे और एग्ज़ाम में जब जाके एलिमिनेशन प्रोसेस, प्रोसेस को अपनाओगे तो बहुत अच्छे से मैनेज करना आ जाएगा आपको इसके लिए आपको क्या करना है आप अगर कभी भी मॉक्स लगाते हो ना मॉक्स पेपर तो मॉक्स पेपर में इसका यूज़ करने की कोशिश किया करो जैसे मान लो एक मॉक पेपर लगाया आराम से ठीक है आराम से फोर्टी फाइव मिनट्स होते हैं एग्ज़ाम में फोर्टी फाइव मिनट्स सिक्सटी क्वेश्चन आप जब एग्जाम दोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये आप हार्डली फिफ्टीन से ट्वेंटी मिनट में आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा आपको जितना एग्जाम में जितना क्वेश्चन आता होगा आप कर लोगे तो टाइम की कमी होती नहीं है वन वर्ड है आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है बट एलिमिनेशन प्रोसेस करने से क्या होगा ना थोड़ा सा आप स्लो रहोगे पर आपका जो आंसर्स रहेगा ना वो बहुत बहुत सटीक रहेगा और इससे एक और फ़ायदा क्या है एलिमिनेशन प्रोसेस से कि जैसे मान लो ए बी सी डी ई पाँच ऑप्शन है ना तो पाँच ऑप्शन एक क्वेश्चन में आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे जैसे कोई भी एक जैसे मान लो आप कन्फ्यूज़ड हो कि यार ए होगा या बी होगा अगर दो में कन्फ्यूज हो तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि सी डी ई एग्जाम इसका आंसर नहीं है यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे दो दो क्वेश्चन दो ऑप्शन में आप कन्फ्यूज हो आप कोई एक टिक लगा दोगे तो यहाँ पे ना यहाँ पे गलती होने की पॉसिबिलिटीज एज पर एज पर प्रोबेबिलिटी प्रॉबाबिलिटी में आप लोग पढ़ते हो ठीक है अगर आपने प्रोबेबिलिटी इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा होगा या टेंथ में पढ़ा होगा कभी भी पढ़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है नेगेटिव होने का गलती होने का ठीक है तो एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और एलिमिनेशन प्रोसेस को ध्यान में रख के ही आगे अभी जो भी आप मॉक्स दोगे जो भी आप करोगे एलिमिनेशन प्रोसेस को ध्यान में रख के ही करना इससे क्या होगा इससे एक बहुत अच्छा अप्रोच बनेगा एग्ज़ाम में ताकि एग्ज़ाम में आप सही आंसर कर पाओ और हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस से आ पाओ ये प्रोसेस कोई नहीं अपनाता एग्ज़ाम में बिलीव मी सौ में से ट्वेंटी से थर्टी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फोर से फाइव क्वेश्चंस जो जानते हैं जो सही है एकदम हंड्रेड परसेंट वो जानते हैं ना वो गलत करके आते हैं और बिकॉज ऑफ दिस दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स सो स्टे अवेयर स्टे बेनिफिटेड चलिए थैंक यू सो मच